अगर कम्यूटर सेगमेंट की बाइक लेनी है और उसमें TVS की स्टार्सिटी प्लस का नाम ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि TVS की स्टार्सिटी प्लस ऐसी बाइक है जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू देखने को मिल जाती है और साथ ही उसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 2022 न्यू TVS स्टार्सिटी प्लस के बारे में कि क्या कुछ उसमें अपडेट किए हैं कंपनी ने। तो इस बाइक में कुछ अपडेट कर दिए हैं कंपनी ने। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट की बात करें तो यहाँ पर अब आपको डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। ये वेरिएंट आपको पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बीच में नहीं हो रही थी और ये आपको लगभग शोरूम पर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको ये शोरूम पर देखने को मिल जाएगा इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट, जिसमें कि आपको फ्रंट में 240 mm की रोटो पेडल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है और साथ ही रोटो पेडल होने की वजह से इसमें आपको हीटिंग कम देखने को मिल जाएगी और ब्रेकिंग काफ़ी इसकी बेहतर आपको देखने को मिल जाएगी। और दूसरे अपडेट की बात करें तो यहाँ पर इसमें आपको USB चार्जर पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा और जैसे कि आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही इस बाइक में आता है सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और इस बाइक में आता है आपको LED हेडलैम्प, इस बाइक में आपको पूरा LED सेटअप देखने को मिल जाता है फ्रंट में हेडलाइट का, जिससे कि आपको इसमें नाइट में काफ़ी अच्छी रोशनी देखने को मिल जाती है इसकी। और साथ ही कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर 110cc के अंदर किसी भी बाइक में आपको LED हेडलैम्प देखने को नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है TVS की स्टार्सिटी प्लस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें पूरा LED सेटअप देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस बाइक में आता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक और इस बाइक में इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिससे कि TVS कहता है कि इसमें आपको 15% ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगी। अब इस बाइक के प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो इसका डिस्क और ड्रम वेरिएंट है उन दोनों में 5000 का अंतर है एक शोरूम कीमत में। यहाँ पर 68000 के आसपास आपको ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा और साथ ही 73000 के आसपास इसका आपको डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही प्राइसिंग हैं, ये अपने एक शोरूम प्राइस हैं और ऑन रोड प्राइस के लिए आप नज़दीकी TVS शोरूम पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि ऑन रोड प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है हर एक जगह। तो आप अपने नज़दीकी शोरूम पर जरूर संपर्क करें ऑन रोड प्राइस के लिए। बाकी यही कुछ अपडेट थे जो कि कंपनी ने इसमें किए हैं 2022 में, और बाकी वही हैं डिज़ाइन वगैरह आपको सेम देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए हैं इस बाइक में। आगे और पीछे इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहे हैं और ड्रम और डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। 110cc का इंजन है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी माइलेज देखने को मिल जाएगी, लगभग आपको इसमें 60 से 75 के बीच में माइलेज आसानी से इसमें देखने को मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है और साथ ही इस बाइक की सीट हाइट आपको 785 mm देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी सीट भी इसमें देखने को मिल जाती है। ड्यूल स्टिचिंग के साथ में इसकी सीट आती है जो कि देखने में भी काफ़ी प्रीमियम लगती हैं। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में TVS की स्टार्सिटी प्लस के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और नए नए वीडियोज़ देखने आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।